नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन और आज हम देखेंगे इंग्लिश टेंस के कॉन्सेप्ट का थर्ड पार्ट जो कि है फ्यूचर टेंस। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे एग्जांपल्स के साथ। और इससे पहले मैंने पार्ट वन जो बनाया है इंग्लिश टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस पर मैंने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से क्लियर किया है और पार्ट टू में पास्ट टेंस को पूरी तरीके से क्लियर किया है। तो आओ अब हम फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के मुकाबले फ्यूचर टेंस से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी ज़्यादातर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ही थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आता, अगर ना भी बोलूँगा तो भी चलेगा। तो आओ वो सब तो हम बाद में देख लेंगे, हम भी एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे बहुत सारे। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह फ्यूचर टेंस भी चार तरह का है। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए अब एक एक करके देखते हैं। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो इसका फीचर क्या है, देखिए, एनी एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर और आफ्टर सम टाइम इज सिंपली नोन एज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी काम जो भविष्य में या फिर थोड़ी देर बाद होगा उससे आप फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आप ध्यान से इसको समझिएगा कि ये जो टेंस हैं फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ये काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत करना यार, वरना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जब एक के बारे में पढ़ रहे होंगे दूसरे का ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो आपको कोई और चीज़ दिमाग में न डाल के सिर्फ ये सिंपल बात डाल लो कि जो काम थोड़ी देर बाद होगा या भविष्य में होगा उसे आप सिंपली कहेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। से ही है इसका फीचर। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक रूल जान लीजिए। तो देखिए, बेसिक रूल ये कहता है कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब या फिर बी वर्ब, जो भी आप कह लीजिए, उसके तौर पर शैल या फिर विल का इस्तेमाल होता है। तो शैल तब यूज़ होगा जब फर्स्ट पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, ये दोनों अगर हैं तो शैल का इस्तेमाल होगा, या फिर मतलब दोनों में से कोई भी है तो विल का इस्तेमाल होगा। और अगर ही, दे, शी, ये कुछ भी होंगे, मतलब आई और वी को छोड़ के अगर कोई भी सब्जेक्ट दूसरा कोई होगा तो विल का इस्तेमाल होगा। तो ये है फॉर्मूला फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का ट्रेडिशनली, मतलब जो बेसिक रूल है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखिए ये है कि मैक्सिमम जगहों पे आज क्या होता है, विल का इस्तेमाल होता है, शेल का इस्तेमाल होता ही नहीं है। आई के साथ भी विल होता है, वी के साथ भी विल होता है। आपने मैक्सिमम जगहों पे देखा होगा, शायद ही आपने किसी को बात करते वक्त सुना होगा कि वो शेल का इस्तेमाल कर रहा है। और आजकल किताबों वगैरह में भी मैक्सिमम जगहों पे नहीं, पर कुछ जगह पे शेल का इस्तेमाल होता है। तो अब आप पूछेंगे कि यार मुझे शेल का इस्तेमाल करना चाहिए या विल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई शैल गो टू स्कूल, तो यहाँ पे इसका हिंदी में क्या मतलब निकल के आता है, इसका मतलब है मैं स्कूल जाऊँगा। तो अब आप जाहिर सी बात है यही बोलेंगे कि अगर आई शैल गो टू स्कूल का हिंदी में मतलब है मैं स्कूल जाऊँगा, तो मैं स्कूल जाऊँगा इसका भी अंग्रेजी में मतलब होगा कि आई शैल गो टू स्कूल, ये तो जाहिर सी बात है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो मैंने मैं स्कूल जाऊँगा इसको, इस हिंदी लाइन को कॉपी किया और इंग्लिश टू हिंदी से मैंने हिंदी टू इंग्लिश कर दिया यहाँ पे ट्रांसफ़र। और अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही लाइन कॉपी किया मैंने, मैं स्कूल जाऊँगा इसको, देखिए इसका अंग्रेजी में क्या मतलब है, आई विल गो टू स्कूल। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि यहाँ पे आई शैल गो टू स्कूल होना चाहिए था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल को भी पता है कि शैल यूज़ नहीं होता आजकल, कोई भी ऑफिशियल वर्क हो आई विल का ही हमेशा यूज़ होता है। तो ये भी एक प्रूफ है कि विल ही चलता है, शैल नहीं चलता। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हमें शेल का इस्तेमाल करना चाहिए या विल का इस्तेमाल करना चाहिए फर्स्ट पर्सन के साथ। तो देखिए, मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको शेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए रूल यही कहता है, जो ट्रेडिशनल रूल है जो चलता आ रहा है उसके हिसाब से आपको शेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि आजकल विल ही चलता है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बहुत ही पुराने ज़माने का टीचर है जिनके टाइम पे शेल का ही इस्तेमाल होता था, तो वो तो ऑब्वियसली आपको रॉन्ग ही आंसर दे देंगे। और आफ्टर ऑल जो भी ट्रेंड हो, आपको जो पुराना रूल है उसकी उसी के हिसाब से शेल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है वो तो अलग बात है यार, किताबों वगैरह में तो वही लिखा था ना। तो आपको शेल का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी मैं भी रिकमेंड करूँगा। तो चलिए, और दूसरी जो बात है, ये ऑब्वियसली टेक्निकली नहीं है, पर मैं बोल देता हूँ कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस कह लीजिए,
पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के कंपेयर में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पूछा जाता ज़रूर है लेकिन पूछा कम ही जाता है, उतना ज़्यादा नहीं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शेल गो टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेल लगाया है, आपको भी शेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आई विल गो टू स्कूल ये भी बहुत ही कॉमन है, आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं शेल का इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी बोलूँगा। तो आई शेल गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाऊँगा। ही विल प्ले क्रिकेट वो क्रिकेट खेलेगा। वी शेल डू इट एवरी डे हम ये रोज़ करेंगे। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके फीचर्स। तो देखिए इसको समझाने से पहले आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, एनी एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू टिल अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए कोई भी काम जो भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में ही चल रहा होगा या फिर भविष्य में ही कंटिन्यू रहेगा उसको आप सिंपली कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्लीज़ बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा इसको किसी के साथ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई भी काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही चल रहा होगा, फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा, उसी को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जब एग्जाम्पल दूंगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब बी वर्ब शैल बी या फिर विल बी इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसका मतलब है कि शैल बी या फिर विल बी यूज होता है सब्जेक्ट के बाद और आईएनजी लगता है मेन वर्ब के साथ, जैसे कि गो हो जाएगा गोइंग, कम हो जाएगा कमिंग। अब देखिए यहाँ पे भी सेम केस ही है, शैल बी विल बी। शैल बी का इस्तेमाल ऑलमोस्ट नो के बराबर होता है, विल बी ही ट्रेंड में है। विल का जैसे इस्तेमाल होता है वैसे ही विल बी का भी इस्तेमाल होता है, और जैसे शैल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, शैल बी का भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि शैल का इस्तेमाल जितना कम होता है उससे भी कम शैल बी का इस्तेमाल होता है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि शैल बी ही यूज़ कीजिए, क्योंकि फिर आप एटलीस्ट बोल सकेंगे कि यार जो भी लोग यूज़ करते हो मैंने रूल के हिसाब से लिखा है, तो रूल रहेगा आपका स्ट्रेंथ, तो रूल के हिसाब से भी आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है गलत, तो उसको गलत में से विल को आप हटा दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम शैल। शैल लिखा हुआ मैंने, शैल लिख दिया, हाँ आपको दिख रहा होगा, तो आपको भी शैल ही लिखना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल है आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमोरो। देखिए यहाँ पे एक और बात है, जो ट्रेंड है, ट्रेंड ये भी कहता है कि शैल जब आप यूज़ करते हैं ना तो वो एक प्रॉमिस की तरह हो जाता है कि आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, अच्छा मैं कल खेल रहा होगा या फिर शायद खेल रहा होगा, शायद नहीं मतलब प्रॉमिस की तरह देखा जाता है कि वो। और जब आप विल यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप बोलें कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, तो ये एक श्योरिटी लगता है कि हाँ मैं कल खेल ही रहा होगा क्रिकेट। और शेल जब यूज़ करते हैं तो वो एक प्रॉमिस की तरह, मतलब हाँ एक्सपेक्टेड है, उतना गारंटीड नहीं है जितना विल लगता है। विल एक स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि हाँ ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो कल खेल रहा होगा, या फिर आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट मैं कल खेल रहा होगा। और आई शैल जब बोलते हैं मैं कल खेल रहा हूँ क्रिकेट, तो ये थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है। तो ये मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ जो चल रहा है, तो आई शैल ही आपको लिखना चाहिए क्योंकि नियम के हिसाब से जाओ यार। सेकंड देखिए, ही विल बी विजिटिंग नाइस प्लेस दिस वीक, ही विल बी विजिटिंग ए नाइस प्लेस दिस वीक, तो वो एक अच्छा जगह ये इस हफ्ते देख रहा होगा, कंटिन्यू रहेगा, देख रहा होगा, समझ गए ना। थर्ड देखिए, दे विल बी मैनेजिंग अ प्रोग्राम इन द कमिंग मंथ, वो लोग एक प्रोग्राम मैनेज कर रहे होंगे अगले महीने, कर रहे होंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछना यार, प्लीज़ कमेंट में पूछो। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसका फीचर क्या है। एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए कोई भी ऐसा काम जो पूरी तरीके से भविष्य में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि हाँ भविष्य में ये काम हो जाएगा किसी टाइम से पहले, या फिर टाइम ना भी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं रात को ये कर लूँगा, तो इसे कहते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई काम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है किसी टाइम के पहले या फिर फ्यूचर में कभी हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं फॉर्मूला, ये भी सेम ही है यार, शैल हैव विल हैव। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल हैव या फिर विल हैव लगता है, और मेन वर्ब जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है, जैसे कि गो हो जाएगा गॉन। तो एग्जांपल देख लीजिए, ये भी सेम ही है, फर्स्ट पर्सन के साथ होता है शैल, शैल हैव, और बाकी जो भी हैं उसके साथ विल हैव होता है। तो यहाँ पे मैंने शायद कोई नहीं दिया है फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल। देखिए, ही विल हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, तो वो स्कूल के लिए निकल गया होगा, मतलब वो निकला नहीं है, फ्यूचर में भी निकलेगा और निकल ही गया होगा।
She will have finished her work by tomorrow. और कल वो काम ख़त्म कर चुकी होगी, मतलब काम शायद शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब शुरू भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा, एंड भी हो जाएगा फ्यूचर में, यही चीज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल हैव अराइव्ड बाई 10 o'clock, वो 10 बजे तक आ गया होगा। अब तो समझ गए होंगे ना, आप डेफिनेटली समझ गए होंगे, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछो। और जैसा कि मैंने बोला कि ये सब बहुत ही कम पूछा जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको सब बता रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि बस जान के रखो, ये बहुत ही ना के बराबर पूछा जाता है ये चीज़। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तो मैं फ़िलहाल आपको बताने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो तो टोटली नहीं आता। फिर भी अगर आप में से कोई जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी डाउट है तो पूछो यार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। अगर इंग्लिश टॉकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि ये जो करेक्ट टेंस है आपको क्लियर है कि नहीं, तो कमेंट में पूछ लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पार्ट 1 और 2 देखना है जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में मैंने बताया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कीजिए। और अब के बाद मैं शुरू करूँगा एक नया सीरीज़, नया प्लेलिस्ट, जिसमें एकदम कॉमन क्वेश्चंस से लेके, मतलब कॉमन करेक्ट टेंस को मैं सॉल्व करूँगा, और कॉमन से लेके एकदम एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ सॉल्व करवाऊँगा। उसके बीच में Q&A भी होंगे, आप खुद से मुझे क्वेश्चन दीजिएगा, मैं भी सॉल्व करूँगा। तो बहुत कुछ है आगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।